सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आरटीआई के दायरे में होगा चीफ जस्टिस का दफ्तर। इलाज करा अपने घर पहुंचे संजय राउत, कहा मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। कुलभूषण जाधव केस में आईसीजे के फैसले, आगे झुका पाकिस्तान, आर्मी एक्ट में करेगा बदलाव। जेएनयू में फीस बढ़ने के बाद छात्र के पिता ने कहा वापस घर आओ नौकरी करो। सिर पर बंदूक रखकर शादी के लिए मना रहा था शख्स, टाइकोंडो खिलाड़ी ने इनकार किया तो मारी गोली। तेलंगाना में शराबी बेटे के उत्पीड़न से परेशान थे माता पिता, पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया। खम्मम में बरामद हुआ बैन किए 500 और 1000 रुपए के नोटों का जखीरा। कर्नाटक में एससी से राहत, कल बीजेपी में शामिल होंगे आयोग घोषित 17 विधायक। डेंगू फ्री कोलकाता के लिए सड़क पर उतरी बीजेपी, पुलिस के साथ झड़प। नवाज को इलाज के लिए जाना है विदेश, पाक सरकार ने मांगा 700 करोड़ का बॉन्ड। फिर सोनाक्षी के नैनों में डूबे सलमान खान, दबंग 3 का गाना हबीबी के नैन रिलीज। दिल्ली के प्रदूषण से परेशान हुए जानवी कार्तिक, दोस्ताना 2 की शूटिंग। किसानों को ध्यान में रखकर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना रहे शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। शहनाज और शेफाली पर भड़की राखी सावंत, बोली मेहनत से मुकाम हासिल किया है। दिल्ली में मनोज तिवारी बोले बीजेपी सत्ता में आई तो 2 साल में प्रदूषण की समस्या होगी खात्मी। कुलभूषण जाधव की अपील के लिए पाक करेगा कानूनी संशोधन। जेएनयू में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ, यूजीसी के बाहर एबीवीपी छात्रों ने जमकर किया प्रदर्शन। झारखंड में बजा चुनावी बिगुल, बीजेपी ने की पीएम मोदी की 10 रैलियों की मांग। बॉक्स ऑफिस पर जारी है बाला की ताबड़तोड़ कमाई, 5वें दिन 61 करोड़ का कलेक्शन। पीएमसी बैंक के 2 निदेशकों को अग्रिम जमानत नहीं, बैंक के 2 ऑडिटर भी गिरफ्तार।